हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो जिसका हमें इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन का, तो वो आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नीट और जेईई का क्या हुआ, पोस्टपोन हुआ या नहीं हुआ। तो इस वीडियो का पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया है कि नीट और जेईई जो है वो पोस्टपोन नहीं होने जा रहा है। तो हमें इसका इंतजार था, हम लोगों ने पीआईएल फाइल किया था और बहुत हम लोगों ने नहीं लेकिन हम लोगों ने सपोर्ट किया था और बहुत सारे बच्चों ने मिलकर एक एडवोकेट के साथ यहाँ पे पीआईएल फाइल किया था तो कि जेईई मेंस और नीट जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए। तो उस पर आज फाइनल डिसीजन आ गया। आज सुबह से हम लोग लगे हुए थे उस पर और फाइनली सुबह में ही डिसीजन आ गया अभी थोड़ा देर पहले कि नीट है और जेईई है जो होने वाला है वो पर शेड्यूल पे होगा उनके अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। और उन्होंने जो प्ली था पोस्टपोनमेंट के लेकर उसको फाइनल जो है वो डिसमिस कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया, यानी कि नीट और जेईई मेंस अभी के लिए जो एज पर शेड्यूल है उस दिन होने जा रहा है। लेकिन अभी भी फाइनल डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के पास है। अब देखते हैं फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट क्या लेती है। अगर पोस्टपोन करना होगा तो उनकी तरफ से डिसीजन आएगा, अगर पोस्टपोन नहीं करना होगा तो मुझे नहीं लगता कोई डिसीजन आएगा, कोई स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया, वहाँ पे पहले ही डेट उन्होंने दे दिया एमएचआरडी ने कि जो नीट है वो 13 सितंबर को होगा, जेईई मेंस जो है वो 1 से 6 सितंबर तक होगा। तो इस तरह से डेट हमें मिले हैं तो हम वेट करते हैं। देखिए, आपको अगर आज यानी कि 17th और 18th अगर इस दोनों दिन के अंदर में अगर जेईई मेंस का अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो हाँ, आप सोच सकते हैं कि जेईई मेंस और नीट जो है वो पोस्टपोन होने जा रहा है। अगर जेईई मेंस का एडमिट कार्ड आ गया तो समझ लीजिए कि दोनों होने जा रहा है। नीट के स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा कि आप जेईई मेंस के एडमिट कार्ड का पहले वेट कर लीजिए, क्योंकि नीट का हो सकता है कि एडमिट कार्ड लेट आए लेकिन जेईई मेंस का अब एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। अब तक तो हल्का लेट हो रहा है क्योंकि अब पता नहीं इसी डिसीजन का शायद इंतजार किया जा रहा था एनटीए की तरफ से, तो अब आई थिंक यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा और सेंटर जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरा क्या ओपिनियन है तो देख लीजिए, मैं आपको बोलूँगा कि 99.9% यहाँ पे आप रेडी रहिए कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले यही चाहती थी कि एग्ज़ाम हो ही जाए। लेकिन हम लोगों ने गवर्नमेंट को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला था कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होना चाहिए, कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बात सही है, बहुत सारे बच्चों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा, मैं बताऊँगा किस तरह से हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट को तो अब ऑप्शन मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो सबसे हायर अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया प्ली को यानी कि पीआईएल को, तो एग्जाम वो ले सकते हैं ज़्यादा चांसेस है। और अपना प्रिपरेशन आप करते रहिए, आप बिल्कुल भी ये दिमाग में मत ऑप्शन रखिएगा कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। अगर आप तो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि पोस्टपोन होगा तो आप तो सबसे बड़े यहाँ पे मूर्ख बन गए यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको शुरू से बोला था कि आपको इंतजार नहीं करना था, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट यहाँ पे यही चाह रही है कि एग्जाम हो जाए, उनका ये नहीं सोच रही कि बच्चों का क्या है। ये बहुत ही बुरा डिसीजन यहाँ पे लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं भी बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं सोच रही सुप्रीम कोर्ट कि बच्चे का आने जाने में क्या प्रॉब्लम होगा, फिर अगर अफेक्ट हो जाते हैं उनका फ्यूचर क्या होगा आगे आने वाले वाला, क्योंकि ये कितना बड़ा मतलब खतरनाक वायरस है तो हम लोग सभी जान रहे हैं। अगर अफेक्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, इसका क्या आउटकम होगा, कितने बुरे बुरे नतीजे हो सकते हैं वो देख सकते हैं हम लोग, उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि लाख सब बच्चे एक साथ जब बाहर निकलेंगे घर से तो समझ सकते हैं क्या मंजर होगा उस टाइम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बस एक चीज़ दिखा कि अकेडमी की लॉस, उन्होंने बोला कि लाइफ कैन नॉट बी स्टॉप्ड, यू कैन वी हैव टू मूव फर्दर, वी हैव टू मूव अहेड विथ ऑल सेफ गार्ड। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू लूज योर अकेडमिक वन ईयर अकेडमिक ईयर वन ईयर अकेडमिक सेशन। तो आपका क्या जवाब होगा? मैं तो बोलूँगा हाँ, हम रेडी हैं, अगर हम सेफ रह के एक ईयर लूज भी कर दें या फिर ऐसा। तो अगर गवर्नमेंट अगर हम लोगों के लिए सोचती है, अगर एजुकेशन अथॉरिटी हम लोगों की सोचती है तो हम लोगों को सेफ रख के अगर एक ईयर एक्स्ट्रा हम लोगों के लिए दिया जाए या फिर उसी में मैनेज किया जाए कैसे भी करके, हम लोग हाँ छुट्टी को हम लोग कम कर देंगे, समर वेकेशन छोड़ देंगे, विंटर वेकेशन छोड़ देंगे, और भी जो सारे वेकेशन मिलते हैं सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर के पहले जो हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। हम लोग सबके लिए होता है, हमारे लिए होता है, हमारे फैमिली के लिए होता है। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट इस बात को ध्यान रखती कि हाँ ये कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत सारे बच्चों को ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम होगी, वैसा तो है नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो विलेज में चल गए उनको विलेज में अपना सेंटर मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे मतलब बहुत सारे रिमोट एरियाज में जहाँ पे अभी ऐसा पता चल रहा है कि बाढ़ आया हुआ है, बिहार में बाढ़ आया हुआ है, बहुत सारे बिहार के एरियाज में, फिर जयपुर में, राजस्थान में आया हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में आया हुआ है, तो उन सारे स्टेट्स में तो प्रॉब्लम होगी। इस बात को उन्होंने ध्यान दिया नहीं, बस हाँ एक बात पर ध्यान दिया कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने गलत तरीका से यहाँ पे कुछ बच्चों का रोल नंबर ले लिया और उसको शो कर दिया कि ये बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए, तो उस बात को उन्होंने ध्यान दिया और बोला उन्हीं के फेवर में कि एग्जाम जो है वो होना चाहिए, हम लोग लाइफ में स्टॉप नहीं कर सकते, अहेड मूव अहेड होना चाहिए,
ये नहीं ध्यान दिया कि बच्चों का फ्यूचर के साथ क्या हो सकता है। 60 लाख ऑफ बच्चे नीट के लिए निकलेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं, हम लोग खुद सोच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं सोच पाए तो बुरा है, ये बहुत ही खराब डिसीजन है, मैं ये बोलूँगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे लास्ट डिसीजन सुप्रीम गवर्नमेंट के पास बचती है, देखते हैं क्या होता है। और हम लोग अभी मूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है उसको सिर्फ एक ही पर्सन मिस कर सकते हैं, वो है प्रेसिडेंट। तो देख लेते हैं जो प्लीव फाइल किया था उन्होंने, वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास या नहीं जाते। वी होप दैट वो लोग जाएं और वो लोग और रिक्वेस्ट करें, तो क्योंकि होना ही चाहिए नीट और जे तो कम से कम होना ही चाहिए, और सारे एग्जाम्स हो जाए तो हो जाए, क्योंकि उस एग्जाम्स को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नीट और जे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते बच्चे। तो आई होप यहाँ पे कुछ अच्छा डिसीजन अभी तक आए, लेकिन मेरा नहीं, मैं एक तरफ से ये भी सोचता हूँ कि कुछ अच्छा डिसीजन आया, लेकिन एक तरफ से ये भी मन में आता है कि नहीं, अब 99.9% श्योर है। हाँ, ये 99.9% श्योर है, अभी आपको बोलूँगा कि 99.9% श्योर है, आप श्योर रहिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरू से बोला था कि प्रिपरेशन आप करते रहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इसके पहले जो एक वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था कि आप प्रिपरेशन करते रहिए। गवर्नमेंट का कुछ ठीक नहीं है, वो क्योंकि चाह रही है कि एग्जाम ले लिया जाए, वो मतलब हम लोगों का सोच नहीं रही है, वो बस सोच रही है कि उनका पढ़ाई कैसे स्टार्ट हो जाए और एकेडमिक ईयर लॉस ना हो, हम लोगों का लाइफ का क्या हो, हम लोगों का हेल्थ का क्या हो, वो नहीं दिख रही है। तो बस यही था, डिसीजन आ चुका है। और एक बार और मैं बता दूँ क्या हुआ था, तो दो PIL फाइल किया गया था, एक तो था कि नीट और JEE को पोस्टपोन करना चाहिए, एक तो था कि नीट और JEE को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, वो कोचिंग और इंस्टीट्यूट की तरफ से और पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से था। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वालों ने क्या किया था कि गलत तरीके से जो सारे उनके बच्चे पढ़ते थे उनके पास जिनका भी कॉन्टैक्ट नंबर था, वो उन्होंने मैसेज फ्लैश किया, उसमें मैसेज में था कि रोल नंबर और जो भी उनका रजिस्ट्रेशन आईडी है वो सब चाहते हैं। तो बच्चे सोचे कि हाँ, जैसा कि इंस्टीट्यूट समेता रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी मांगती रहती है, तो उस तरह से मांगे। लेकिन उस रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी को उन्होंने यूज कर दिया जाके उस प्लिप में, PIL में, कि बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम। अब सोचिए कि इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों किया, इंस्टीट्यूट को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हुआ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि एग्जाम का वेट कर रहे हैं, उसके बाद एडमिशन लेंगे, उनका जो है बिजनेस एक तरह से ठप हुआ पड़ा है। तो हमेशा इंस्टीट्यूट क्या करती है कि अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर देती है बच्चों के साथ, ये हमेशा नज़र आया है, इस बार भी नज़र आ गया। तो इंस्टीट्यूट भरोसा करने लायक नहीं है, और यहाँ पे फिर से इंस्टीट्यूट ने शो कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि वो भरोसा करने लायक नहीं है। तो हम लोगों का जो भी कोशिश था, हम लोगों ने जो भी मेहनत किया, वो पानी में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप अब ये मान लीजिए कि एग्जाम होगा, मान क्या लीजिए, अब होगा एग्जाम आपको, तो बस आप रेडी रहिए, ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब हम लोगों ने जो करना था हम लोगों ने किया, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब एग्जाम होगा। मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि एग्जाम होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया तो गवर्नमेंट तो इस बात का फ़ायदा उठाएगी ही, और हम लोगों को नहीं सुने, जब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को नहीं सुना तो गवर्नमेंट भी तो नहीं सुनेगी, क्योंकि वो शुरू से यही चाह रही है एग्जाम हो जाए। दो बार उन्होंने पोस्टपोन किया क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर बनाया इतना ज़्यादा, तो थर्ड टाइम मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कुछ करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया है कि एग्जाम लेना होगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में मुझे डिटेल देना था कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ आज के जो सारे हियरिंग थे सुप्रीम कोर्ट में नीट और JEE के पोस्टपोनमेंट के लेकर, तो उसके बारे में। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, सारे जो कुछ थे हुए थे सारे जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम लोग उसके डाउट को जरूर बताएंगे। और अपना प्रिपरेशन अब जारी, अब स्पीडअप कर दीजिए, जितना हुआ उतना में ही अब स्पीडअप कर दीजिए, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे रैंक लाइए और अच्छे कॉलेज में जाइए। अब आपको सेफ रहना है, तो सबसे पहले तो आप सेफ रहिएगा और एग्जाम देने सेफ्टी से जाइएगा, क्योंकि अगर आप कहीं से अफेक्ट भी हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो आपको उस बात का भी ध्यान देना है कि एग्जाम के पहले भी सेफ रहना है, एग्जाम के दिन भी सेफ रहना है, और एग्जाम के बाद भी सेफ रहना है। तो बिल्कुल भी सेफ्टी का आप ध्यान रखिएगा, घर से बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, और कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Oh, oh, oh.